अद्य मंगलवासर अथवा भौमवासर पौषुद्ध पंचमी दिनांक 27 डिसेंबर 2022 चरक शारीरस्थान अध्याय 8। शंखं चक्रं जलकां दधतमृतघटं चारु दोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरद्यांशुक परिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालांबोधोज्ज्वलांगं कटितटविलसत् चारु पीतांबराढ्यं वंदे धन्वंतरिन्तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजितां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां आयुर्वेदरतं वंदे माधवाख्यं महागुरुं आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यप्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। शांति 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 ही। क्षीरदोषे विशेषांश्च अवेक्ष अवेक्ष तत्तद् विधानं कार्यं स्यात्। तो क्षीरदोष के विशेषों को ध्यान में रखते हुए उस प्रकार का विधान वहां पे करना है। पाठा महौषध सुरदारु मुस्त मूर्वा गुड़ुच्ची वत्सक फल किरात तिक्क कटकण रोहिणी सारिवा कषायाणाम च पानम प्रशस्यते। तो यही वाग्भट में है पाठादिस्तन्य शोधन इस प्रकार का, तो हमने बना के रखा है ये। तो इनका चूर्ण एक्चुअली हम देते रहते हैं और गर्भिणी को सुतिका को इस प्रकार से। तथा अन्येषां तिक्तकषाय कटुकमधुराणां द्रव्याणां प्रयोगः क्षीरविकार विशेषान् अभिसमीक्ष्य मात्रां कालञ्च। और उसी प्रकार के दूसरे तिक्त कषाय कटु और मधुर इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग, तो क्षीर विकार विशेष को ध्यान में रखते हुए और मात्रा और काल इन दोनों को भी ध्यान में रखते हुए देने इति क्षीर विशोधनान्। तो मैं जनरली रसपाचक और ये स्तन्य शोधन पाठ आदि भोजनोत्तर व्यानोदान काल में देता हूँ। और फिर अगर अपेक्षा है तो दशमलव अरिष्ट वगैरह इस प्रकार का भी कुछ प्रयोग करता रहता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि स्तन्य विशुद्धि और स्तन्य दुष्टि ये आयुर्वेद की खासियत है और हमें सजगता से उसको प्रैक्टिस में लाना है। जब कभी किसी बालक की चिकित्सा करनी हो और वो स्तन्यपान कर रहा हो बालक या बालिका, तो निश्चित रूप से स्तन्य परीक्षण करना जरूरी है और फिर ये देखना चाहिए कि स्तन्य दुष्टि दूर हो जाए। तो फिर बालकों की चिकित्सा ज्यादा कुछ करनी पड़ती है ऐसा नहीं है। क्षीरजननानि तु मद्यानि स्विधुवर्जानि ग्राम्यानुपद औदकानि च शाकधान्य मांसानि।
तो सिद्धू वर्ज सभी जो है ब्रेस्ट सिस्ट पर देख ली थी इस बार। सिस्ट एक अलग है प्रक्रिया जहां विषग्न द्रव्यों का प्रयोग करना ज्यादा उचित इस प्रकार का होता है, क्योंकि जो भाव ऐसे है कि जिनको शरीर से निकाला भी नहीं जा सकता और शरीर के लिए वो नुकसान करने वाले हैं, उनको शरीर सिस्ट में डाल देती है, चाहे लिवर में हो, किडनी में हो, ब्रेस में हो, इस प्रकार से सिस्ट निर्माण होते हैं। तो शायद इन भावों का पचन करने के हिसाब से ये केमिकल्स वगैरह जो है अभी खाने में आ रहे हैं, ये एक बात हो सकती है कि सिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट इस प्रकार के हो जाते हैं। ज्यादातर शरीर का प्रयास रहेगा कि उसको मलमूत्र के द्वारा निकाल दे, लेकिन अगर नहीं हो सकता है तो इस प्रकार से ये बात हो सकती है सिस्ट बनना। फिर भी प्रयोग करके देख सकते हैं, ये एक अलग बात होगी। अब सोनोग्राफी के आधार पर जो भी निदान उभर आता है उसका आयुर्वेदीय पर्सपेक्टिव क्या होगा? डक्टल कैंसर की हम बात कर रहे थे, और डक्टल कैंसर में ये जो दुग्ध ग्रंथि इस प्रकार की है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक क्षीर दृष्टि या स्तन्य दृष्टि ध्यान में रखते हुए हम विचार कर रहे थे। तो विषग्नगण जो है वो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। रक्तपाचक पटोल सोडून, मेदपाचक चंदन सोडून, सर्व द्रव्य आली आहेत स्तन्य शोधन। तो रक्तपाचक और मेदपाचक तो योग में ला सकते हैं इस प्रकार से। तो जनरली इसमें माउस दृश्य का संबंध है क्या मेद दृश्य का संबंध है, जब ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं? तो अभी एक रेफरेंस मिला था कि ये मेद का ही है संबंध, तो मैंने पहले मांसोपाचक का प्रयोग करता था, अभी मैं मेदोपाचक का प्रयोग करता हूँ इस प्रकार से। और ये फाइब्रोसिस जहां जहां पे निर्माण होता है वहां सभी जगह है ये कर सकता है। विषग्नमूलन का रक्तपाचक सूक्ष्म पड़ेगा, हो सकता है। लेकिन दूषित विषारी आगे दाव सुवर्ण आदि योग मैं प्रयोग में लाता हूँ ज्यादातर विषग्न इस प्रकार से। और अंजनादि गण एक है, अंजलम पलिनी मौसी पद्मोत्पल रसांजन शैला मधुकन आगाभुम विषांतर दाह पित्तन। तो ये केमोथेरेपी के बाद देने के लिए अच्छा है, अंतर्दाह भी इसमें है और विषघ्न इस प्रकार का भी है, तो वो भी बना के रखा है अंजनादिगण। तो इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। तो मध्य सभी जो है शीर्ष विषघ्ना नाम, ये तो है। करता जे आपण आहारी सेवन करतोय जे बाहेरचं खाणं किंवा आहे तर त्याला नाही खाऊ पडणार नाही, त्याला तर हेच पाहिजे, तांदूळ जातात त्यातले तर खरं तर। नाही नाही तांदूळ जाते झालं हां, पण औषधी संभव जर घ्यायचा असेल तर आता काही नाही खाऊ पडणार, किंवा दूध जे घेतो ते हां दूध म्हणजे सगळ्यात जे विषग्न विषकारक द्रव्य आहे हां, तर त्यांना म्हणून अँटीडोट म्हणून हे नाही खाऊ पडणार। नहीं, अभी कृत्रिम विष के लिए क्या करना है ये एक बड़ी समस्या है। तो इसलिए अंजन का है वापरता, अंजन ही है एक्चुअली, स्रोतोंजन है। और अभी पक्का याद नहीं है क्योंकि हमने बना के तो रखा है योग ये इस प्रकार का, लेकिन मेरे ख्याल में श्रोतुंजन ही है। शीर्ष का घृत चाहे बना के रखे, ये एक बात है। तो शीर्ष की छाल मिलती है तो बेटर ऑप्शन रहेगा इस प्रकार से।
कस्सा मिक्स करता चूरणा, तो मिक्स होता है। अभी ये काफी दिनों पहले बनाया है, एक बार मैं पूछ लेता हूँ क्लिनिक में कैसे किया होगा इस प्रकार से, लेकिन हमने बनाया है, ये सही बात है इस प्रकार से। तो अंजन नाम से क्या लिया है एक बार देखेंगे। तो सिधु वर्जानी मध्यानी, मध्य से भी जो है वो इस प्रकार से क्षीर जनन है, उसका उतने पैमाने पर अभी प्रयोग नहीं हो रहा, ये एक बात है। ग्राम्य अनूप औदकानि च शाक धान्य मांसानि, तो इस प्रकार के शाक धान्य और मांस ये सभी क्षीर जनन है, तो इनके बारे में थोड़ा सोच कर प्रयोग अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। करड़े ही वापर रत्ना, नहीं शराब दूध वाढ़ने का करड़े ही नहीं है ना। नहीं हाँ मेथी, मेथी का प्रयोग होता है इस प्रकार से। द्रव मधुरा अम्ल लवण भूयिष्ठाश्च आहारः, तो द्रव मधुरा अम्ल लवण भूयिष्ठ इस प्रकार का आहार, क्षीरिण्यश्च औषधयः, और क्षीरिणी इस प्रकार की औषधि पंचवल्कल जो है वो, या दुग्धी का ये जो बताती बताई जाती है छोटी वनस्पति है दूध उसमें रहता है इस प्रकार से। क्षीरपानम अनायासश्च, तो दूध पीना साक्षात और अनायास, तो दूध तो दिया जाता है लेकिन उसकी मात्रा पर ध्यान रखना है। वीरण शाली षष्टि का इक्ष्वालिका दर्भ कुश काश गुंद्र इत्कटक मूलानाम इत्कट मूल कषायाणां च पानमिति क्षीरजनन, तो ये प्रचलन में नहीं है अभी, खास करके तृण पंचमूल जो है उसका प्रयोग करें। मैं सोच रहा हूँ कि तृण पंचमूल का काढ़ा बना के कल्प बनाए और फिर वो दूध के साथ दे दे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो ये तृण पंचमूल वैसे अवेलेबल है तो, और ये बाकी सभी जो है षष्टिकशाली वगैरह वगैरह, हेलो तो ये क्षीर जनन के लिए आए। हम शतावरी के आगे कुछ जाते ही नहीं क्षीर जनन में, तो वो छोड़नी है बात। दुग्धिका कलंबिका दयो दृश्यमान क्षीराहा, तो दुग्धिका एक छोटी बहुत क्षुप होता है, तोड़ने पर उसमें से दूध निकलता है। ये वर्षा ऋतु में आसानी से मिल सकता है अगर हम खोज करेंगे तो। धात्री धात्री तो यदा स्वादु स्वादु बहुल शुद्ध दुग्धा स्यात् तदा तांतानुलिप्ता शुक्ल वस्त्रं परिधाय ऐन्द्रीं ब्राह्मीं शतवीर्यां सहस्रवीर्यां अमुघां अवजतां शिवां अरिष्टां वाट्य पुष्पे विश्वक्सेन कांतां वा बिभ्रति औषधिं कुमारं प्रांगमुखं प्रथमं दक्षिणं स्तनं पाये धात्री कर्म। ये काफी मुश्किल है। जो धात्री जब स्वादु बहुला बहुल शुद्ध दुग्धा, जो मधुर प्रधान इस प्रकार का शुद्ध दूध धात्री का हो, तदा स्नातानुलिप्ता, तो फिर स्नान अनुलेपन करके शुक्ल वस्त्र परिधाय और शुक्ल वस्त्र धारण करके धात्रीम ऐन्द्रीम ब्राह्मीम शतवीर्याम सहस्रवीर्याम अमोघाम अव्यथाम शिवाम अरिष्टाम वा वाट्यपुष्पीम विश्वक्सेन कांताम वा बिभ्रति, तो ब्राह्मी शतवीर्या सहस्रवीर्या दुर्वा है दोनों, अव्यथा ये हरितकी का एक पर्याय, शिवा धात्री का पर्याय है इस प्रकार का, अरिष्ट ये निम्बया अरिष्ट करिठा इस प्रकार के है, वाट्य पुष्पी बला का पर्याय है। तो इनमें से वनस्पतियों को धारण करती हुई, ये सर पे धारण करे हाथ में धारण करे ऐसा कुछ होगा। और कुमारम प्रांगमुखम, तो पूर्व दिशा में जिसका मुख है इस प्रकार का कुमार, प्रथमम दक्षिणम स्तनम पाइए, पहले दक्षिण स्तन से स्तनपान कराए, तो इति धात्री कर्म। तो ये भी जहां जहां जब जब पॉसिबल है तो करना बेहतर इस प्रकार का रहेगा। शुद्ध स्नाता इस प्रकार के स्नातानुलिप्त शुक्ल वस्त्र धारण करके, ये भी एक अलग बात है। अतोनंतरं कुमारागारम, कुमारागार विधि में अनुव्याख्यास्यामः, तो कुमारागार विधि अभी बताते हैं। वास्तुविद्या कुशलः,
तो वास्तुविद्या कुशल इस प्रकार के लोग होते थे, जो भी उपजीविका के साधन है उसमें आर्किटेक्ट जिसको अभी हम कहेंगे उसमें वास्तुविद्या कुशल इस प्रकार के लोग होते थे। प्रशस्तम रम्यम अतमस्कम निर्निवातम प्रवातैकदेशम। तो प्रशस्त रम्य जिसमें अंधकार नहीं हो, निवात और प्रवात एक देशम, एक देश से वारा आने वाला, वायु आने वाला। दृढ़म अवगत श्वापद पशु दंष्ट मूषिक पतंगम। दृढ़ और जिसमें से श्वापद पशु दंष्ट्री विषारी इस प्रकार के जहरीले मूषिक और पतंग इनसे दूर, ये जिसमें से दूर निकल गए हैं इस प्रकार से। सुविभक्त सलिल उलूखल मूत्र वर्चस्थान स्नान भूमि महानस महानसम ऋतु सुखम। जिसमें सलिल उलूखल मूत्र वर्चस्थान स्नान भूमि महानसम, ये सुविभक्त इस प्रकार के। अभी फ्लैट सिस्टम में हर फ्लैट का मुख अलग अलग दिशा में इस प्रकार के होता रहता है, और कम से कम जो नियम पालने चाहिए कि स्वयंपाक घर जो है वो आग्नेय दिशा में होना है, देवघर जो है ईशान्य में होना है, सोने की सुविधा जहाँ पे हो वहाँ दक्षिण या पूर्व दिशा में सर को रखना है, और तस्वीर वगैरह जो भी लगानी है वो दक्षिण या पूर्व दिशा में लगानी है ताकि उनकी तरफ पाँव नहीं हो इस प्रकार से। तो ये बेयर मिनिमम है। और फिर प्रवात एकदेशम, ये एक जो बात बताई गई है वो उसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि एक दिशा से वायु आएगा, दूसरी दिशा से उसको बाहर निकलने के लिए योजना होनी चाहिए, नहीं तो फिर जो वायु विजन हमें अपेक्षित है वो नहीं मिलेगा इस प्रकार से। अब ये कृत्रिम गुणोपधान करके एसी लगा के हम बैठने की कोशिश करते हैं ना, सोने की कोशिश करते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा नहीं है। विदेशों में तो उसके लिए कोई पर्याय ही नहीं है, क्योंकि इतनी प्रतिकूल इतना प्रतिकूल वातावरण होता है कि आपके घर में इस प्रकार की सुविधाएं नहीं है तो आप नहीं रह सकते। तो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम ये अभी विदेशों में काफी कॉमन इस प्रकार की है। पहले जमाने में ये फायरप्लेस होती थी और ठंड से बचाव इस प्रकार से करते थे, लेकिन ये वायु विजन अगर अच्छा रहेगा तो गर्मी के मौसम में भी ठंडक रहेगी। जयपुर में जो हवा महल है ये इसका एक अच्छा नमूना इस प्रकार का है। तो किस तरीके से ये वायु विजन अच्छी तरीके से चलते रहे और गर्मी ज्यादा बढ़े नहीं। दूसरी बात, अभी जो है वो मिट्टी के घर बनते थे इस प्रकार से, और उसकी खासियत रहती थी कि गर्मी के मौसम में ठंडा रहता था और जाड़े में गर्म रहता था इस प्रकार से, तो ये बढ़िया था। अभी जो सीमेंट कंक्रीट के घर बनते हैं वो गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्म और ठंडी के मौसम में ज्यादा ठंडी इस प्रकार के हो जाती है, और हमारी जो फर्श है अभी वो भी इसी प्रकार के है। गोमय से लिप्त फर्श होती थी, पूरी फर्श नहीं जमीन होती थी पहले, तो ये अच्छी रहती थी, लेकिन फिर भी उसको बार बार संवरना पड़ता है, और घर में गाय है तभी ये पॉसिबल गोमय मिलना पॉसिबल है, तो ये काफी मुश्किल है। तो कम से कम नैसर्गिक चीजों का प्रयोग करें ये तो हम सोचे, और जाड़े के मौसम में जब ठंड होती है फर्श तो उसके ऊपर कुछ गालीचा वगैरह इस प्रकार का डालें। बला तीनी जी खोली बाळंतीणी जी खोली अंधारी ठेवायची प्रथा आहे, परंतु येथे अतमस्क म्हटले आहे। वो जगह है जो वो अतमस्क चाहिए इस प्रकार से। नहीं, अतमस्कम प्रवात एकदेशम, ठीक है घर का ही है। तो शायद ये बात हो सकती है कि
ज्यादा अंधेरा भी ना हो, ज्यादा धूप या प्रकाश भी ना हो, इस प्रकार की कुछ स्थिति हो सकती है। और दिन में ठीक है कि प्रकाश आना चाहिए, अतमस्क होना चाहिए। रात में शायद उस जमाने में तो ये तेल के ही दिए रहते थे। तो फणसरकर ने बताया था कि जब वो गुरुगृह में रह रहे थे गणेश शास्त्री के यहाँ, तो बाकी सब जगह घासलेट या केरोसिन के दियों का प्रचलन में था, लेकिन उससे आंखों में तकलीफ होती है। तो इनके घर में, गणेश शास्त्री के घर में, ये तेल के दिए जलाए जाते थे। तो वो बता रहे थे कि देखो ये गुरु किस प्रकार से ध्यान देता है और किस प्रकार से हमारी सुविधा के बारे में सोचता है, इस प्रकार से। तो अभी अब कुमारागार की बात चल रही है इस प्रकार से, और कुमारागार और ये प्रसूता स्त्री की संघर्ष इस प्रकार से, या कपड़ा वो एक हिस्सा रहेगा इस प्रकार से। पूरा कुमारागार जो है वो शायद केवल ये 1.5 महीने के लिए नहीं, ज्यादा मौसम के लिए होगा। गत सूताभिधाना स्यात् पुनरार्थव दर्शनात्, ये बात बताई गई है कि फिर से रज प्रवर्तन जब चालू होगा तब वो गत सूता इस प्रकार का वक्रात की हो जाएगी। तो सूती का अवस्था उसकी खत्म हुई। ये पीरियड 2-3 महीने से लेकर 6 महीने तक या उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो तब तक उसको सूती कागार में रहना उचित है इस प्रकार से। और फिर 1.75 महीने के बाद तो बालक को एक्सपोजर मिलना चाहिए, ये संदेह की बात नहीं है। जनरली पैसे पहले ऐसे होता था कि 1.75 महीने के बाद पहले देवदर्शन के लिए निकलते थे, तब तक ये अंधेरे में इस प्रकार का ही ज्यादा रहता था। और वो कमरा जो है वो गर्म रखा जाता था किसी भी तरह से, इंडिकेटिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम लोएस्ट ग्रेड, हो सकता है कि जो भी दिया जलाना है वो लो इंटेंसिटी इस प्रकार का हो। और अगर हम इस प्रकार का दिया जलाते हैं, तेल का दिया जलाते हैं, अभी के मौसम में भी, अभी के हालात में भी, तो भी अच्छा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का जलाने से बेहतर इस प्रकार का रहेगा। लेकिन ये सभी जो उसमें निवेश है वह सुविभक्त या सुविभक्त इस प्रकार के हो। तो पानी रखने की जगह जगह जनरली ईशान्य दिशा में इस प्रकार के होती है या पूर्व दिशा में होती है। उलुखल के बारे में मालूम नहीं। मूत्रवर्च स्थान ये जो है वह पश्चिम या दक्षिण दिशा में इस प्रकार के होते हैं। स्नान भूमि जो है वो पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में इस प्रकार की होती है। और महानसम आग्नेय दिशा में इस प्रकार का होता है। ऋतु सुखम और ऋतु के अनुकूल सुख जिसमें हो। यथार्थ शयन आसन आस्तरण संपन्नम कुर्यात्, और ऋतु के अनुसार शयन आसन आस्तरण इस प्रकार की संपन्नता उसमें हो। स्लोली मैक्युलर रिफ्लेक्स विल डेवलप, एकदम भास्वर भास्वर इज नॉट गुड फॉर मैक्यूला, वही है एक्चुअली। अभी तो सिजेरियन सेक्शन का जमाना है, तो फ्लड लाइट्स के नीचे बालक का जन्म होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अभी ये जो तिमिर रोग बढ़ गया है, यानी कि 40 ईयर्स में ये जो चश्मा लगना, ये काफी कॉमन बात इस प्रकार की हो गई। एलोपैथी में रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, और फिर चश्मा दे देते हैं और वो चलता रहता है सिलसिला। हमारे हिसाब में ये तिमिर नाम का विकार है और उसकी भलीभांति चिकित्सा होनी चाहिए, लेकिन वैद्य भी इसके बारे में सजग नहीं है। तो मैंने भी खुद सिर्फ चाहा कि मैं चश्मा नहीं लगाऊंगा,
लेकिन कुछ किया भी नहीं उसके लिए, जो भी कुछ करना चाहिए थी, मेरे रोग की चिकित्सा करनी चाहिए थी, वो नहीं की, तो अंत में चश्मा लगाना शुरू कर दिया। तो तिमिर काचे तामियाती, इस प्रकार का जो बताया गया है। तो लिंगनाश कॉमन है और ये तिमिर का अग्रिम रूप इस प्रकार का है। तो अगर तिमिर को हम कंट्रोल में कर सकते हैं तो लिंगनाश नहीं होगा, इस प्रकार की स्थिति है। और सभी वैद्य हम कुछ चीजों में ध्यान नहीं देते, अब जहां मुसीबत आ जाती है। तो एक आंख के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, ये नियमित रूप में जो अंजन बताया है, श्रोतोंजन वगैरह इस प्रकार का, और श्रावणार्थ रसांजन हम हफ्ते में एक बार ये बताया है, ये भी नहीं करते हैं। पाद पावतल में घी लगाना ये नहीं करते हैं। त्रिफला मधुसर फिर व्यायाम दिशा नेत्र बला अच्छा, ये भी बात बताई गई, ये भी नहीं करते हैं इस प्रकार से। और पादत्राण जो है वो चमड़े के होने चाहिए, ये भी नहीं, अभी ये भी काफी बदल गया इस प्रकार से। अभी हाइब्रिड इस प्रकार का पादत्राण होता है, नीचे रबर या प्लास्टिक और ऊपर ये चमड़े का इस प्रकार का, तो वो भी ठीक है अगर करना है इस प्रकार से तो। लेकिन हमारी सोच उतनी ज्यादा नहीं है इन सभी चीजों में। और दूसरी चीज, कान के बारे में भी हम सजग नहीं है। कर्णपूरण बताया गया है, कर्णपूरण से कुछ लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और तो फिर छोड़ देते हैं, और एलोपैथी वाले तो बताते ही है नहीं करना है इस प्रकार से। तो कर्णरंध्र धौती या कर्ण धौती ये तो कम से कम करनी है। वैद्य स्वतः सा चिकित्से बाबत अजिबात सजग नस्तात, है अग्दी खरे आहे। केवल खुद के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी नहीं है। और जब मुसीबत आ जाती है, ये इम्पेक्टेड वैक्स हो जाता है या फिर दृष्टि के बारे में प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो फिर हमें दौड़ना पड़ता है एलोपैथी में, और फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि यार हमने इसके बारे में ध्यान नहीं दिया तो, और उसमें हमारा एक्सपर्टाइज भी नहीं है। दंत रोग में भी वही हालत है, दंत रोग प्रैक्टिस करने वाले जो भी आयुर्वेद के लोग हैं वो दंत निष्कासन करते हैं, लेकिन दांतों का आरोग्य अच्छा रहे इसके लिए क्या करना है इसके बारे में नहीं बताते। ब्रशिंग जो किया जाता है वो अच्छी तरीके से किया जाए, उसका सही तरीका क्या है ये भी बताया नहीं जाता। नीचे वाले दांतों को नीचे से ऊपर, ऊपर वाले दांतों को ऊपर से नीचे, इसी प्रकार का ब्रश चलाना है, वो सॉफ्ट होना है वगैरह वगैरह, अभी ये बताते हैं डॉक्टर्स बताते हैं, लेकिन फिर भी उसमें अन्नकण अटक जाते हैं तो फिर ये दांतों में तकलीफ दर्द होने लगता है, और फिर ये रूट कैनाल ये सभी ट्रीटमेंट चलती रहती है या आर्टिफिशियल टीथ लगाने पड़ते हैं। तो इन सभी के बारे में हमें थोड़ा सजग होना है, और कम से कम क्या कर सकते हैं, ये तो पादत्राणतर सब नमड़े से सस्ते ना नहीं है, अभी अभी ये सब प्लास्टिक इसका जमाना है। ये मिलते हैं कोल्हापुरी चप्पल वगैरह मिलती है जो चमड़े की बनती है इस प्रकार से, लेकिन उसको फिर तेल लगाना पड़ता है बार बार, ताकि वो कड़क होता है तो सॉफ्ट हो जाता है इस प्रकार से, और अरंडी का तेल लगाते हैं, तो उसके ऊपर कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। ये आसानी से सीधा परचेस किया और प्रयोग करना शुरू किया नहीं होता है इस प्रकार से। तो थोड़ा हमें बाजार में जाके क्या क्या वस्तुओं की उपलब्धता है ये एक बार देखना जरूरी इस प्रकार का होगा, और हम उसमें से क्या ले सकते हैं, किसका प्रयोग कर सकते हैं, नया कुछ कर सकते हैं क्या, लोगों को सुझाव दे सकते हैं क्या इस प्रकार से, ये थोड़ा देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। तो यथार्थ शयन आसन आस्तन संपन्न कुरिया, तो ऋतु के अनुसार ये सब करना है।
तथा सुविहित रक्षा विधान बलि मंगल होम प्रायश्चित्तम, जिसमें रक्षा विधान अच्छी तरीके से हो, बलि मंगल होम प्रायश्चित्त ये सभी अच्छे तरीके से हो। तो वास्तव में अच्छा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र करे, अग्नि को आहुतियां दे। ये तत्व प्रकाशनी जो केरल में चलता है कोयम्बटूर में, उसमें हर रोज सुबह है वनस्पतियों का होम किया जाता है विद्यार्थियों के द्वारा। तो ये एक अच्छी परंपरा इस प्रकार की है। वो तो बहुत जल्दी करते हैं, 4:30 बजे उठना और करना, इस प्रकार का बताते हैं। लेकिन इसमें से जो रक्षा बनती है, हम भी जब धन्वंतरी याग करते हैं तो उसमें से जो रक्षा मिलती है, तो आधिदैविक विकारों में उस रक्षा का प्रयोग अभ्यंतर करते हैं। तो हमें अगर ग्रह बाधा वगैरह इस प्रकार के है और ये पितृ रक्षस पिशाच इस प्रकार की, या भूत इस प्रकार की बाधा है, तो उसमें ये याग भस्म मैं रेगुलर प्रयोग में लाता हूँ। हर बरस धन्वंतरि याग होता है तो उसका भस्म हम रख देते हैं और उस प्रकार से करते हैं। अगर हर रोज अग्निहोत्र होगा तो रक्षा मिलती ही रहेगी, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। लेकिन इन सभी के बारे में थोड़ा सजग होना ये जरूरी इस प्रकार का रहेगा। शुचि वृद्ध वैद्यानुरक्त जन संपूर्णम, तो पवित्र वृद्ध वैद्य और अनुरक्त जन जो प्यार करते हैं इस प्रकार से, उन जनों से संपूर्ण इस प्रकार का हो। तो बहुत सारे लोग होने चाहिए घर में इस प्रकार से, ताकि बच्चे पर अच्छा ध्यान रहे। ये बड़ी समस्या है बच्चों पर ध्यान रखना, वो अपने अपने मर्जी से कुछ भी करते रहते हैं। एक बार उनका घूमना फिरना शुरू हो जाए तो जो भी चीज मिले वो मुंह में डाले, नाक में डाले, कान में डाले, इस प्रकार की बात हो सकती है। और इसलिए उनके तरफ ध्यान रहना बहुत जरूरी इस प्रकार का हो जाता है। मैंने एक अजीब अनुभव नीदरलैंड से सुना था, ऐसा ही कुछ चाइनीज खिलौना था, वो बच्चे ने गले में डाला और फिर सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तो इमरजेंसी फोन किया तो उनकी टीम आई और उन्होंने पहले ले एक धक्का दिया गर्दन के ऊपर, तो वो चीज बाहर निकल आई। तो ठीक है, बालक तो आश्वस्त हो गया। लेकिन बाद में उनकी एक बड़ी टीम आई घर पे और पूरे घर में से उन्होंने करीबन 35-40 चीजों इकट्ठा किया और फिर उसको जुर्माना भरना पड़ा कि यू आर केयरलेस अबाउट योर चाइल्ड एंड दीज आर हार्मफुल थिंग्स इजिली अवेलेबल फॉर द चाइल्ड, सो यू शुड रिमूव देम एंड पे फाइन फॉर दैट। तो बड़ा बड़ा जुर्माना देना पड़ा उसका। और इसके बावजूद भी अगर होता नहीं है, आप उसकी दखल अंदाजी नहीं लेते हैं, तो बच्चे को उठा के लेके जाते हैं सीधे, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द चाइल्ड, इस प्रकार के कहते हैं। माँ से बच्चा अलग किया जाता है और उनकी कोई सुविधा है इस प्रकार के बच्चों को रखने की, वहां पे रख देते हैं। वहां पे वो रोए धोए कुछ भी करे इस प्रकार से। तो ये थोड़ा अजीब है, विदेशों में ये बहुत ही अजीब इस प्रकार की संकल्पना है। और बच्चों को अगर मारा जाता है हाथ से, थप्पड़ लगाना वगैरह इस प्रकार से, तो जो बच्चे थोड़ा बोल सकते हैं, कर सकते हैं, वो सीधा पुलिस को फोन कर सकते हैं और पुलिस आकर आपका अंदर कर लेती है इस प्रकार से। तो ये बिल्कुल निषिद्ध माना गया है इस प्रकार से कि पादत्राणे, हाँ ठीक है। तो विदेशों में इसके बारे में काफी जागरूक इस प्रकार का रहना पड़ता है। हमारी एक वैद्य है, उसकी लड़की सिजोफ्रेनिक है, बड़ी उम्र वाली, 21-22 बरस की है, और जब उसको गुस्सा आ जाता है तो अपने माँ को ही मारती है, कुछ भी हाथ में मिले उससे मारती है।
और इसको प्रतिकार नहीं करना है, इसको उसको मारना नहीं है इस प्रकार से। अगर मारते हैं तो आप पुलिस आपको लेके जाते हैं इस प्रकार से, उसको असाइले में लेके जाएंगे, आपको तुरुंगवास भुगतना पड़ेगा इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब चक्कर है इस प्रकार का विदेश में खास करके। तो सिजोफ्रेनिया की कोई दवा नहीं है उसके लिए, ये केवल डोज बढ़ता बढ़ाते रहना, उसके साइड इफेक्ट्स, ये वजन बढ़ते रहना वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें होती रहती है। फिर भी उनको डांटना नहीं है, उनको मारना नहीं है वगैरह वगैरह। और छोटे बच्चे हैं तो डांट से मानेंगे, इतनी बड़ी लड़की होने के बाद वो मानती नहीं है, और उसकी ताकत भी ज्यादा होती है। मैंने पुणे में भी किस प्रकार का मरीज देखा था, ऐसा ही 26 27 27 27 बरस का था, अपने माता पिता को ही मारता था इस प्रकार से। तो उसको दीनानाथ में एडमिट किया, लेकिन उसमें पंचकर्म उसे करवाना था, कुछ भी नहीं किया। दीनानाथ में अच्छे तरीके से रहा, बार बार जाकर कैंटीन में खाना खाता था, दवाई एक भी नहीं ली, और पंचकर्म में कुछ भी नहीं किया। तो कोई संबंध ही नहीं रहा इस प्रकार से, ट्रीटमेंट का कोई फायदा ही नहीं है, ट्रीटमेंट ही नहीं है एक्चुअली। तो ये सोच लेना चाहिए। तो ये कुमारागार विधि इस प्रकार का बताया। तो अभी केवल अमीर लोगों के लिए ये पॉसिबल है, बाकी लोगों के लिए तो पॉसिबल नहीं है इस प्रकार का कुमारागार बनाए और वहां पे रहने की सुविधा इस प्रकार के करें। लेकिन एक 1.25 महीने तक इस प्रकार के सूती का गार और उसमें कुमारागार इस प्रकार का रह सकते हैं, या फिर बहुत बड़ा मकान है तो उसी में एक कुमारागार इस प्रकार का करवा सकते हैं, कि कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों में, वर्षों के लिए वहां पे रखे इस प्रकार से। इसमें सबसे अहम मुद्दा जो भी सुरक्षा विधि करना है वो वहां पे अच्छे तरीके से सुरक्षा विधि करनी है, ये महत्वपूर्ण है। शयन आसन आस्तन प्रावरणानि कुमारस्य मृदु लघु शुचि सुगंधीनि स्युः। ये सभी जो है वो मृदु लघु शुचि और सुगंधि इस प्रकार की हो। स्वेदमल जंतुमंति मूत्र पुरुषोपसृष्टानि च वर्जानि स्युः। स्वेदमल जंतु से युक्त मूत्र पुरुष उपसृष्ट ये वर्ज्य है। मुझे पक्का याद है मेरी माँ जब भी कभी इस प्रकार से बच्चों के आस्तरण वगैरह के बारे में देखती थी, तो पहले वो झटकते थे वस्त्रों को, फिर ही नीचे डालते थे, और फिर उसके ऊपर बालक को सुलाते थे। और ये झटकना बहुत जरूरी है, उसमें अगर कुछ चीटियां वगैरह इस प्रकार की हो तो बाद में पता चलेगा। कोलटकर सर का है एक अजब अनुभव हुआ था, क्या ऐसा ही कुछ 7 8 महीने का बच्चा बहुत तेजी से रो रहा था, कुछ ध्यान में नहीं आया। तो कोलटकर सर के पास लेके आए, सर ने भी सब देखा, और फिर पता चला कि एक केश का वेढ़ा पाँव में पड़ गया था, अब उंगलियों में पड़ गया था। कैसे पड़ा क्या पड़ा मालूम नहीं है, जैसे उसको सुलझाया वैसे रोना बंद हो गया। तो यहाँ वैद्य का कोई संबंध नहीं है, ये तो केवल अच्छी तरीके से देखना इतना ही आवश्यक है। तो इस प्रकार के अगर कुछ कृमि वगैरह होते हैं, कीड़े होते हैं छोटे, और फिर उससे तकलीफ होती है, तो उसके बच्चे उस उससे बच के रहना है, और इसलिए ये बहुत आवश्यक है। और मल या मूत्र विरह होने के बाद वो धोने के लिए दे देना है, नया डालना है, और खास करके बरसात में, बरसात के मौसम में बहुत तकलीफ होती है, ज्यादा सूखते नहीं है इस प्रकार से, तो उसमें धूपन करवाना ये भी एक अच्छी बात है। मैं सोचता हूँ कि एक धूपन यंत्र बनाया जाए जिसमें वेंटिलेशन अच्छा इस प्रकार का हो, उसमें हम कुछ तवा वगैरह, जैसे ही अभी धूपदानी होती है कि एक ऊपर प्लेट होती है, उसके ऊपर आप गूगल वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, और इलेक्ट्रिक डिवाइस का प्रयोग हो सकता है।
और ऊपर से हवा जिसमें से निकल जाए इस प्रकार सा एक छप्पर जैसा बनाए, और फिर उसमें कपड़े या ये बच्चों के कपड़े लंगोट वगैरह इस प्रकार के जो है वो सुखाए, और फिर धूपन गुगुल वगैरह डालकर, वचा गुगुल इस प्रकार का डाल के धूपन करें, तो ये एक अच्छा खासा यंत्र प्रचलन में आ सकता है। और मेरा अभी तो सुझाव है कि जैसे सैनिटरी पैड्स जो प्रयोग में आ रहे हैं उसकी रिप्लेसमेंट फिर से एक बार वस्त्रों से हो तो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। अब ये लज्जा का विषय होता है कि ये कहाँ पे सुखाइए इस प्रकार के वस्त्र, तो इस प्रकार की अगर कोई सुविधा हो जिसमें धूपन हो सकता हो और फिर उसमें ये वस्त्र डाल के जो बाहर से दिखे नहीं लेकिन धूपन उसका हो जाए, सूख जाए वो, और फिर रख सकते हैं। तो देहातों में अभी ये प्रचलन है, वो वहां भी वातावरण शीघ्र बदल रहा है, और ये बड़ी समस्या है इस प्रकार के सैनिटरी नैपकिन्स या हगीज वगैरह जो बच्चों के है नैपिस जो है इस प्रकार से, तो उनके बारे में कैसे निपटाए अभी मालूम नहीं है। अभी ये सैनिटरी कचरा अलग से इकट्ठा कर रहे हैं ऐसा कुछ है कॉरपोरेशन का, तो वो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का होगा, उसको जला देना इस प्रकार से काम बात होगी इस प्रकार से। वापरून टाकून दिले तरी पॅडचा खर्चापेक्षा कमीच खर्च लागेल, ये भी सही है, लेकिन फिर भी कहाँ फेंकना है ये भी ये बात है। रीयूजेबल ये बेटर ऑप्शन है, क्लोथ सैनिटरी रीयूजेबल पैड्स आर इजीली अवेलेबल, ये तो मालूम नहीं था। ओके तो ये अगर पॉसिबल है तो सिर्फ इस प्रकार के यंत्र का अगर करते हैं, और खास करके बरसात के मौसम में ये ज्यादा तकलीफ वाली बात है, बाकी तो सूख जाता है। और दृष्टि से परे अगर ऐसे कुछ रखते हैं तो भी ठीक रहेगा। मेंस्ट्रुअल कप्स नाउ एड इज यूज्ड बाय मेनी, ये भी है, ये कप्स रीयूजेबल होते हैं ऐसा भी है, तो जब फेंकने की बात आती है तब देख कैसे करेंगे, अमेजन वर ही अवेलेबल आए। तो शायद ये भी एक बात हो सकती है, अमेजोन पर अगर अवेलेबल है, अमेजोन पर क्या नहीं मिलता ये सोचने की बात होगी, इतनी सारी चीजें अमेजोन पर मिलती है ये अजीब बात है। मार्केटिंग किस प्रकार से किया जा सकता है इसका अच्छा नमूना है अमेजोन इस प्रकार से। तो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के हिसाब से पहले शुरुआत करें, और फिर बच्चों के दिन तो थोड़े रहेंगे, बरस थोड़े रहेंगे, बाद में तो इस प्रकार के स्त्रियों के काम में भी आ जाएंगे, लेकिन ये बनाना मुश्किल नहीं है, ज्यादा आसानी से बना सकते हैं, और इलेक्ट्रिक डिवाइस है तो प्लग इन करेंगे तो हो जाएगा, गैलरी में वगैरह इस प्रकार से अगर रखेंगे तो बेहतर चॉइस इस प्रकार का रहेगा। तो असति असंभव है अन्येषां तान्येव सुप्रक्षालित उपधानानि सुधूपितानि शुद्ध शुष्काणि उपयोगं गच्छेयुः, अगर संभव नहीं है तो अन्येषां तान्येव च, दूसरों लोगों की भी वही इस प्रकार के जो है वो वस्त्र जो है सुप्रक्षालित उपधानानि अच्छे तरीके से धोकर, सुधूपितानि और अच्छे तरीके से धूपन करके, तो धूपन के दूसरे भी फायदे होंगे क्या, अभी ये जो वातावरण की शुद्धि है वो धूपन से अच्छी होती है, और ये COVID-19 वगैरह जो वायरस है ये इसके जरिए फैलाते हैं। तो हमने ये COVID-19 में किया था कि क्लिनिक शुरू करने से पहले और क्लिनिक खत्म होने के बाद पूरे क्लिनिक में धूपन करवाना है, ये भी एक बात हो सकती है कि जब कोई व्यक्ति प्रवेश करे क्लिनिक में
तो एक धूपन का एक चेम्बर रहे, उसमें उसको 1-2 मिनट रहने के लिए कहे और फिर बाहर निकले, इस प्रकार से ये भी बात हो सकती है। हर व्यक्ति को वहां पे 2 मिनट ठहर के फिर बाहर आना है, इस प्रकार से। तो अभी COVID-19 अगर फिर से वापस आता है ये चाइना की वजह से, तो इस प्रकार का धूपन हमें प्रचलन में लाना है पूरे समाज के लिए। हम खुद अपने क्लिनिक में करेंगे तो लोग देखेंगे, लोग फिर अपने घर में करना आरंभ करेंगे। कम से कम धूपन तो पूरे घर में कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और उसके लिए जो द्रव्य चाहिए वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, वो एक बार मार्केटिंग करना है, ऐसा समझ लेने पर ये सभी बातें हो सकती है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो वैसे भी धूपन एक अच्छी चिकित्सा है, और हमारे क्लिनिक में रेगुलर भी होना भी जरूरी है वास्तव में। अब ये COVID-19 के बाद फिर से खत्म हो गया, लेकिन अच्छी बात रहेगी अगर हम इस प्रकार का ऊद धूप डाल के या गुगुल कुछ डाल के, वचा वगैरह इस प्रकार के डाल से धूपन करते रहेंगे तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। शुद्ध शुष्काणि उपयोगं गच्छेयुः। तो शुद्ध शुष्क होने के जरिए मैं जो बता रहा हूँ कि ये धूपन यंत्र का अगर प्रयोग होता है तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। मैं देखता हूँ अगर किसी को सुझाव दे सकते हैं इसके बारे में बनाने के लिए तो अच्छा होगा। धूपनानि पुनः वासताम शयनास्तरण प्रावरणानांच यव सर्षप अतसि हिंगु गुगुलु वचा चोरक वयस्था गोलोमी जटिला पलंकषा अशोक रोहिणी सर्प निर्मोकाणि घृतयुक्तानि स्युः। तो ये घृतयुक्त करने हैं, और अहि निर्मोक ये भी एक बात बताई गई है, सर्प का जो है। लेटेस्ट रिसर्च वाज दैट सैनिटरी पैड्स वन ऑफ द कॉज ऑफ सर्विक्स कैंसर। ओके, नैपी रैश तो बहुत बच्चों में आता है। लसिका करण्याच्या मर्यादेवर विचार करण्या ऐवजी आता बूस्टर डोस देण्याचा घाट घातला जात आहे। वो तो गवर्नमेंट के लिए भी चाहिए कि कुछ हम कर रहे हैं इस प्रकार का दिखाना है, ये भी एक बात है। फार्मास्यूटिकल कंपनी का तो इंटरेस्ट है ही इस प्रकार के लसीकाकरण में। और फिर भी जनरल इम्यूनिटी के बारे में कोई सोच नहीं रहा, ये एक अजीब मुद्दा इस प्रकार का है। तो जनरल इम्यूनिटी के बारे में सोचना है तो हमारा खान पान अच्छा होना है, हमारा पचन अच्छा होना चाहिए, हमें नियमित योग व्यायाम करना चाहिए, तो हम व्याधि के शिकार नहीं बनेंगे इस प्रकार से। लेकिन इसमें निर्बंध होते हैं, और ये करने के लिए लोगों की मानसिकता नहीं है, तो ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का होगा। सायरा एंटरप्राइज हैज धूपन यंत्र फॉर सेल। सायरा एंटरप्राइज, साईराज। ओके, तो अगर है तो देखते हैं कैसा है धूपन यंत्र। अवेलेबल है, पहले से ही अवेलेबल है, तो जरूर उसके बारे में सोचेंगे। तो एक बार खरीद के देखेंगे, ये तो शायद नेट पर मिल जाएगा, साईराज एंटरप्राइजेस। और कहाँ का है प्रोडक्शन वगैरह देखेंगे, कीमत वगैरह क्या है इस प्रकार से। तो यस, VWE आर यूजिंग इट, वी आर यूजिंग इट। ओके, इट्स फ्रॉम पुणे। ओके, तो ठीक है, फिर धूपन के बारे में सोचना है। और अभी COVID-19 की इस आशंका को दूर करने के लिए हमें धूपन फिर से क्लिनिक में शुरू करना पड़ेगा, ये मुझे लगता है। इट्स गुड सर। ओके, तो ये साईराज एंटरप्राइजेस, तो ठीक है, एक बार नेट में देखेंगे और परचेस करने की कोशिश करेंगे इस प्रकार से। लिंक पोस्टेड ऑन GSS। ओके, फाइन। तो ये वचा वगैरह जो है ये तो प्रयोग में ला ही सकते हैं। सरसप है, अतसी है, हिंगू है, गुगुलू है, और
जटा मौसी वगैरह भी है। वैद्य रत्नम से अपराजित धूपन मिलते, या ये भी अच्छा है, अपराजित धूप इस प्रकार का, और उसको रेगुलर में प्रचलन में लाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो अभी हमें लगता है कि इसका प्रचार प्रसार करना शुरू करना चाहिए। जैसे अभी एलोपैथी के बारे में ये मास्क पहनो वगैरह वगैरह फिर से शुरू हो गया, भीड़ जहां पे है वहां तो मास्क पहनना जरूरी है वगैरह इस प्रकार से। उसी प्रकार से ये धूपन करना आरंभ करो, ये खाने पीने के बारे में सजग रहो वगैरह वगैरह इस प्रकार से। पहले जब लॉकडाउन हुआ शुरू शुरू में तो लोगों ने ऐसा समझा कि अरे वाह, हम घर पे है, सभी लोग घर पे ही है, तो खाना पीना बहुत अच्छा तरीके से बनाएंगे वगैरह वगैरह, और ये काफी प्रचलन बढ़ गया। बहुत अलग अलग तरीके की चीजें घर पे बनती थी, सब इकट्ठा मिल खाते थे वगैरह इस प्रकार से। लेकिन इसमें से हमारी सेहत पर क्या असर हो रहा है, इससे इसके तरफ कोई ध्यान इस प्रकार का नहीं था। तो हमें सजग इस प्रकार के होना चाहिए, पचन अच्छा रहे ये बात देखनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है बुखार वगैरह आता है तो लंघन पहले करना है, ये भी बात महत्वपूर्ण इस प्रकार की है। और फिर ये योग व्यायाम नियमित रूप से करना वगैरह वगैरह इस प्रकार से, जनरल इम्यूनिटी बढ़ाने के हिसाब से, और खाना भी जो है वो नैसर्गिक ऑर्गेनिक खाना खाए वगैरह वगैरह, ये सब बातें करनी इस प्रकार की है। मणेश्च धारणीयाः कुमारस्य खड्ग रुरु गवय वृषभाणां जीवतामेव दक्षिणेभ्यो विषाणेभ्यो अग्राणि गृहीतानि स्युः। तो ये तो मालूम नहीं है प्रचलन हमें है या नहीं है। खड़ग रुरु गवय वृषभ, इसमें से सिंह जो है जीवतामेव दक्षिणेभ्यो विषाणेभ्यो अग्राणि गृहीतानि स्युः, उसमें उनको वेदना होती है नहीं होती है मालूम नहीं है इस प्रकार से। ऐन्द्राद्याश्च औषधयः जीवकर्षभकौ च, ऐन्द्रियादि औषधि और जीवकर्षभक, यानी च अन्यानपि ब्राह्मणाः प्रशंसेयुः अथर्ववेदविदः। ये बार बार अथर्ववेदविद की बात होती रही है, तो अभी एक बार पूछना ही चाहिए अथर्ववेदविद कोई ब्राह्मण है क्या इस प्रकार से। तो इस प्रकार के वनस्पतियों का धारण करना, और नक्षत्र वृक्ष जो है, हर बच्चे का एक नक्षत्र होता है और नक्षत्र का संबंधी वृक्ष होता है, तो उसको अगर धारण करते हैं तो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। यहाँ श्रीवर्धन में दीपक जोशी का काम, इन्होंने नक्षत्र वन बनाया है, और उनका कहना है कि ये 27 है तो उसमें भी पर्याय भी कुछ है इस प्रकार से। तो अपने नक्षत्र वृक्ष के बगल में जाकर बैठना है और वहां पे ध्यान साधना करनी है इस प्रकार से। तो ऐसा करने से उस व्यक्ति को फायदा होता है। तो कम से कम 10 मिनट, ज्यादा बैठे 2 घंटे 3 घंटे भी बैठे तो भी अच्छा है। अगर आपको कुछ करना है, लिखना है वगैरह, तो वहां पे जाकर करें, अपने आराध्य वृक्ष के पास जाकर बैठकर करें इस प्रकार से। अगर वो काटेरी नहीं है तो उसको आलिंगन भी देना है, ये भी बात बताते हैं। पेड़ पौधा है बड़ा तो उसको आलिंगन भी देना है इस प्रकार से। तो लोग करने वाले हैं इस प्रकार से, वहां पे जाकर अपने नक्षत्र वृक्ष के साथ बैठकर एक उसका अच्छा परिणाम निकल आता है। और उसी वृक्ष का कुछ अंग लेकर हम ये ताइत वगैरह जैसे बनाते हैं या हाथ में बांधते हैं तो वो भी अच्छा होता है इस प्रकार से। तो ये अगर करेंगे, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस इन नक्षत्र वन सर? मैं थोड़ी देर के लिए ही था, मेरा वेतस वृक्ष है और मुझे पता चला कि ये वेतस केवल ये बांबू नहीं है, उसको काटेरी है वो। अभी मैंने एक परचेस किया वेतस, वो कोकण में माणगांव के नजदीक एक नर्सरी है, वहां वेतस के वृक्ष मिले, लेकिन अभी 10 ही पौधे लाए हैं।
इस मई महीने में हम पूरा फेंसिंग के लिए वेतस लगाएंगे इस प्रकार से। तो उसमें संदेह की बात नहीं है कि अगर हमारा नक्षत्र वृक्ष है तो उसका फायदा होता है, ये संदेह की बात नहीं है। तो इन प्रकार के औषधियों का धारण करना या उनकी पूजा अर्चना करना, उनको पानी डालना वगैरह वगैरह, ये अगर हम बात करते हैं तो उससे फायदा जरूर होता है। तो नक्षत्र वन वैसे पुणे में भी बिबेवाड़ी के नजदीक है। मैं एक ही बार गया था और काफी लोगों ने इस पे प्रयास किया है। यहाँ पे गणपतिपुळे में भी नजदीक गणपतिपुळे और ये निवेंडी, इसके बीच में ये एक इस प्रकार का नक्षत्र वन है। तो काफी जगह लोगों ने प्रयास किए हैं। तो उसके बारे में सोचना है। तो यानी चान्यानि ब्राह्मणा प्रशंसेयो अथर्ववेदविदः। तो जो अथर्ववेद ब्राह्मण है, जो जिनकी प्रशंसा करते हैं, उनका धारण इस प्रकार से करना है। तो ये भी एक अच्छा तरीका इस प्रकार का रहेगा कि हम इसको भली भांति प्रयोग में ला सकेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इन सभी के बारे में हमें अच्छी तरीके से सोचना है, और जो जो हम प्रचलन में ला सकते हैं उसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं, वो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का होगा। तो जिनको पॉसिबल है वो नक्षत्र बंध बनाने की कोशिश करें, कम से कम अपने घर वालों के लिए जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में भी करने की कोशिश करें, ताकि हमें उसका फायदा हो। क्रीडन कानि खलु कुमारस्य विचित्राणि घोषवन्ति अभिरामाणि। अगुरुणि चाति च अतिक्ष्णाग्राणि च अनास्य प्रवेशानि प्रवेशिनी च अप्राणहराणि च अवित्रासनानि स्युः। तो कितने ये लोग सजग थे ये अच्छे तरीके से देखना है। तो अभी तो प्लास्टिक का जमाना आ गया है, लेकिन सावंतवाड़ी एक मशहूर स्थान है खिलौने के लिए, लकड़ी के खिलौने के लिए, और पारंपरिक रीति से खिलौने बनाए जाते हैं, केवल लकड़ी के बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। ये जो सभी निकष है ये सभी उसमें पाले जाते हैं, और नेदरलैंड्स में भी वही किया था कि जो सारी चीजें इसके खिलाफ इस प्रकार की हो तो उनको हटा देना है, और इसी प्रकार के खिलौने होने चाहिए जो मुख में प्रवेश नहीं उनका हो सका, कान में भी नहीं, नाक में भी नहीं जाना चाहिए, ये भी एक अलग बात है। इस प्रकार की आवाज करने वाली, दिखने में मनोहर, इस प्रकार की, ज्यादा भारी ना हो, इस प्रकार की तीक्ष्णाग्र ना हो, और अप्राणहर प्राणहर भी न हो, अवित्रासन उसको भय दिखाने वाली भी न हो, इस प्रकार से। तो इस प्रकार के अगर खिलौने होंगे तो बालक आसानी से उससे खेल सकेंगे। हमें पता नहीं चलता कि बालकों को क्या चाहिए, कटोरी और चम्मच लेकर भी बच्चे खेल सकते हैं, अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, क्या बहुत देर तक खेल सकते हैं। तो ये पता नहीं चलता, ये अभी कुछ डंबेल जैसे खड़े करने हैं और फिर उनको गिरा देना है, ये भी बच्चे आसानी से खेलते हैं, बड़े आनंद से खेलते हैं इस प्रकार से। और इसके बारे में अभी काफी बहस हो सकती है, ये एक अच्छा व्यवसाय है।
खिलौने इस प्रकार के बनाना इंटेलेक्ट का काम है। और बढ़ती उम्र के अनुसार किस प्रकार के खिलौने होने चाहिए ये सोच सकते हैं। और मेरा तो कहना है कि पजल्स की ही बात की जाए, विभिन्न उम्र के हिसाब से और विभिन्न शास्त्र के हिसाब से। तर्कशास्त्र हमारा डेवलप हो जाए, लॉजिक डेवलप हो जाए, इसलिए पजल्स दिए जाए और वो सुलझाने की कोशिश की जाए, तो फिर हमारे विचारों को खाद्य मिलेगा, हमारे बुद्धि को खाद्य मिलेगा इस प्रकार से। और पुराने जमाने में शास्त्र भाषा और तर्कशास्त्र, भाषा तर्कशास्त्र और गणित, ये तीन साईराज सिरिंज घेतो ना साईराजचे, त्याचं धूपन यंत्र पण आहे साईराज से काय तो गणित तर्कशास्त्र और भाषा, ये तीन तीन मुद्दों को पढ़ाया जाता था, ये तीन विषय सिखाए जाते थे। और तर्कशास्त्र में ये पर्वतो वन्यमान धूमात वगैरह जो है ये सब पुराने हो गए। अभी के हालात में इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर अपने अपने शास्त्र के अनुसार देना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। वैसे मैं शनिवार को शुक्रवार को ही शाम को निकल रहा हूँ नांदेड़ के लिए, और सोमवार देरी से हम वापस आएंगे, तो शनिवार और सोमवार लेक्चर नहीं होगा, शुक्रवार तक करेंगे और फिर मंगलवार से आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्य शाश्वतो यन निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वांछन पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठा श्रेष्ठं धन्वंतरिंतं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनं। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार, श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।